हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डिजिटल डायरीज। और गाइस, आज हम बहुत ही क्रिस्पी पोहा कटलेट बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस है। और इसे बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स आपको घर में ही मिल जाएंगे। लेकिन बनाने से पहले गाइस, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं। पोहा कटलेट बनाने के लिए हमने 2 कटोरी पोहा, कटा हुआ गाजर, कटे हुए अदरक लहसुन मिर्चा, बॉयल किया हुआ मटर, कटा हुआ हरा धनिया, टोस्ट क्रम, आप टोस्ट क्रम के जगह पे ब्रेड क्रम का भी यूज़ कर सकते हैं, 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 5 चम्मच चावल का आटा और 3 उबले हुए आलू। आलू का हमें मैश कर लेना है। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें सारा पोहा डालेंगे। फिर इसमें पानी डालेंगे और पानी हमें उतना ही डालना है जितना में पोहा अच्छे से भीग जाए। फिर चम्मच की मदद से सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के बाद इसका पानी निचोड़ कर निकाल देंगे। हमने पोहा का पानी निकाल दिया है। फिर पोहा में मैश किए हुए आलू डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करके मैश कर लेंगे। फिर इसमें कटे हुए अदरक लहसुन मिर्चा, कटे हुए गाजर, उबले हुए मटर, 1 चम्मच सब्जी मसाला, 1 चम्मच चिकन मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालकर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसमें चावल का आटा डालेंगे और उसे भी मिक्स करेंगे। फिर इसमें 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालकर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। लास्ट में कटे हुए धनिया डालकर मिक्स कर लेंगे। हमारा आलू का मसाला तैयार है। हमें सारे इंग्रेडिएंट्स और मसालों को ऐसे ही अलग अलग करके डालना है, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स और मसाले अच्छे से मिक्स हो पाए। फिर हाथों में थोड़ा सा रिफाइन ऑयल लगाएंगे और आलू के मसाले का एक गोल लड्डू बना लेंगे और हथेली पर रखकर प्रेस करेंगे। फिर इसके चारों तरफ हल्के से प्रेस करके गोल टिक्की बना लेंगे। बाकी बचे मसाले को भी पहले हम हाथों में रिफाइन ऑयल लगाकर आलू के मसाले का गोल लड्डू बनाएंगे और हथेली पर रखकर प्रेस करेंगे। फिर इसके चारों तरफ हल्के से प्रेस करके गोल टिक्की बना लेंगे। हमने सारे आलू के मसाले की टिक्की बना ली है। आप अपने पसंदीदा डिज़ाइन की भी टिक्की बना सकते हैं। फिर हमने जो कॉर्नफ्लोर लिया था उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक लिक्विडी बैटर बनाएंगे। हम इस तरह का लिक्विडी बैटर बनाएंगे। फिर आलू की टिक्की को कॉर्नफ्लोर के बैटर में डीप करेंगे, फिर उसे टोस्ट क्रम में कोट करेंगे। बाकी बची टिक्की को भी पहले हम कॉर्नफ्लोर के बैटर में डीप करेंगे, फिर उसे टोस्ट क्रम में कोट करेंगे।
मैंने सारी बची टिक्की को पहले कॉर्नफ्लोर के बैटर में डीप करके फिर उसे टोस्ट क्रम से कोट करके रेडी कर लिया है। फिर हम एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गर्म करेंगे और तेल जब गर्म हो जाए तब हम उसमें रेडी किए हुए टिक्की को डालकर फ्राई करेंगे। जब टिक्की एक साइड से पक जाए तब हम इसे पलटकर दूसरे साइड से पका लेंगे। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि हमारी टिक्की अच्छे से पकी है कि नहीं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये दोनों साइड से अच्छे से पक चुकी है, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो लीजिए गाइस हमारे गर्मा गर्म पोहा कटलेट तैयार है। अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ और गाइस आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी बने हैं। फिर आप इसे टोमेटो सॉस और चिल्ली सॉस के साथ एंजॉय करें। सो गाइस आप भी इसे घर पर जरूर ट्राई करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। सो गाइस आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।